रेशनल नंबर, रेशनल नंबर क्या होते हैं? तो जो रेशनल नंबर की डिफिनेशन होती है वो ये कहती है कि जो मतलब जिन नंबर को हम पी बाई क्यू की फॉर्म में ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और जहाँ पर क्यू होता है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए, है ना। मतलब जो पी बाई क्यू है उसमें जो इसमें से जो क्यू है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। ज़ीरो के अलावा कोई भी नंबर हो चल जाएगा, लेकिन ज़ीरो नहीं होना चाहिए, है ना। तो वही क्या होता है, तो वो नंबर क्या कहलाएगा? रेशनल नंबर कहलाएगा। तो वो नंबर क्या कहलाएगा? रेशनल नंबर कहलाएगा ना। अब जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं 16/7 का। अब 16/7 है तो 16/7 में इसमें क्या हो गया, ये पी हो गया और ये क्यू हो गया, है ना। अब ये क्यू है जो वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो भी है ना। तो मतलब ये रेशनल नंबर के डिफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये क्या होगा? रेशनल नंबर हो जाएगा ना। लेकिन अगर यहीं लिखा है 16/0 सॉरी, है ना, 16/0 लिखा है, तो ये को ये 16 हो गया पी हो गया और ज़ीरो आपका क्यू हो गया, है ना। तो अब यहाँ पर क्या है कि जो क्यू है वो इक्वल टू ज़ीरो हो गया, तो ये रेशनल नंबर होगा आपका? नहीं होगा, क्योंकि रेशनल नंबर के डेफिनेशन के अंदर जो क्यू होता है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए ना। लेकिन ये तो क्यू इक्वल टू ज़ीरो हो गया, तो ये रेशनल नंबर होगा? नहीं होगा, है ना। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि रेशनल नंबर क्या होता है। अब हम इसके बारे में कुछ और चीज़ें जान लेते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, रहती हैं। अब जैसे रेशनल नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं? क्यू से डिनोट करते हैं ना। जो रेशनल नंबर होता है उसको हम किससे डिनोट करते हैं? क्यू से डिनोट करते हैं, है ना, क्यू से डिनोट करते हैं। और जो रेशनल नंबर होते हैं वो नेगेटिव इंटीजर भी हो सकते हैं ना, जैसे माइनस का 16/7 भी हो सकता है ना, क्योंकि ये पी हो गया और ये आपका क्यू हो गया और क्यू इक्वल टू नॉट ज़ीरो भी है ना। तो ये मतलब रेशनल नंबर की डिफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो मतलब क्या, ये रेशनल नंबर होगा, है ना। तो ये रहा था रेशनल नंबर के, ये था आपका रेशनल नंबर कि रेशनल नंबर की डिफिनेशन क्या होती है। मैं और आपको एग्जांपल बता देता हूँ, जैसे आपका 22/7 हो गया, ये रेशनल नंबर होगा कि नहीं? ये भी रेशनल नंबर होगा, क्योंकि ये आपका पी हो गया, ये हो गया क्यू हो गया ना। तो अब जो क्यू इक्वल टू नॉट जीरो भी है, तो ये क्या हो जाएगा? रेशनल नंबर हो जाएगा, ये भी रेशनल नंबर हो जाएगा, क्योंकि उसकी डिफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, है ना। लेकिन अब आपको एक चीज़ ये ध्यान में रखनी है कि हर जगह आपको p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लेना है, वो m बाई एन की फॉर्म में भी हो सकता है ना, वो n बाई एम की फॉर्म में भी हो सकता है। तो जो m जो मतलब जो नीचे डिनोमिनेटर होगा वो ज़ीरो के इक्वल नहीं होगा, है ना, वो ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। और फ्रैक्शनल फॉर्म में अगर कोई नंबर है तो वो आपका नंबर क्या कहलाएगा? रेशनल नंबर कहलाएगा, है ना। और रेशनल नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं? क्यू से डिनोट करते हैं, है ना। तो ये सब था रेशनल नंबर के बारे में। आई होप आप समझ गए होंगे कि रेशनल नंबर क्या होता है। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा।